हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 6, विषय गणित, अध्याय 6, पूर्णांक प्रकार 6.2 का सवाल नंबर 3 आज आपको हल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, इसमें सवाल में लिखा है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना योग ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सरल तरीका है। देखो बच्चों, हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो क्या क्रिया लगाएंगे हम? सबसे पहले हम कोष्ठक खोलेंगे, तो कोष्ठक के अंदर वाला चिन्ह और कोष्ठक के बाहर वाले चिन्ह को गुणा करके हम कोष्ठक खोलेंगे। अब गुणा का नियम सीखो बढ़िया। चिन्हों का गुणा क्या होता है? समान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा प्लस बन जाता है, असमान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा माइनस बन जाता है। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है तो असमान हो गया। असमान चिन्ह का गुणा क्या बनेगा? यहां पे माइनस प्राप्त होगा। अब यहां प्लस है और यहां प्लस है तो दोनों जगह क्या हो गया? समान चिन्ह है। समान चिन्हों को गुणा करने पर उत्तर कैसा प्राप्त होगा? प्लस का प्राप्त होता है। ये दोनों यहां प्लस हैं तो प्लस प्राप्त होगा। आई बात समझ में? तो जब समान चिन्ह होते हैं तो गुणा करते समय प्लस प्राप्त होता है, असमान चिन्हों का गुणा माइनस प्राप्त होता है। एक बात तो ये समझ में आ गई कि सबसे पहला काम हम कोष्ठक को खोलेंगे, इस बाहर वाले कोष्ठक को नहीं, इस बाहर वाले को हम पहले खोलेंगे और दोनों को साथ ही खोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? चिन्ह के हिसाब से गुणा करके, कोष्ठक के अंदर वाला चिन्ह कोष्ठक के बाहर वाले चिन्ह को गुणा करके खोल देंगे। समान चिन्ह प्लस बन जाएगा, असमान चिन्ह माइनस बन जाएगा। बाद में हम जोड़ करेंगे, जोड़ की क्रिया में क्या होता है? योग संक्रिया में दोनों संख्या प्लस की है तो उत्तर प्लस में आएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। और दोनों संख्या माइनस की है तो भी हम योग करते हैं, लेकिन उत्तर में किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस। दोनों संख्या प्लस की है तो जोड़ने पर उत्तर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और दोनों संख्या माइनस की है तो योग करने पर चिन्ह माइनस का लगाएंगे। लेकिन एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है तो हमेशा घटाव करते हैं, उनकी बाकी करते हैं बच्चों, और उत्तर में क्या चिन्ह लगाएंगे? बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगाना, माइनस की बड़ी है तो माइनस का लगाना। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम आज की प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं सवाल नंबर 1 से। देखो बच्चों, बड़ा ही सरल तरीका है, मैं आपको अच्छी तरह से सिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले कोष्ठक खोलेंगे। देखो ये 11 का 11, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह है, चिन्ह असमान हो गया। तो देखो असमान चिन्ह का गुणा क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? माइनस। ये सात, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस का चिन्ह बन गया और सात का सार लिख दिया हमने। अब देखो बच्चों, हम इनका योग करेंगे, 11 माइनस 7 कैसे करेंगे? ये 7 तो माइनस का है राइट, और 11 किसका? प्लस का। तो एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह किसका है? माइनस का। तो देखो बच्चों, एक चिन्ह माइनस का हो और एक चिन्ह प्लस का हो तो हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते समय घटाव करते हैं, हम इनकी बाकी करेंगे, और बाकी करने पर देखो बच्चों कितना बचेगा? 11 माइनस 7 कितना बचेगा? 4। ये 4 बच गया। अब उत्तर में किसका चिन्ह लगाएंगे? उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। और ये देखो 7 बड़ी है, 11 बड़ी है, संख्यात्मक मान 11 बड़ा है और 11 प्लस का है तो उत्तर 4 प्लस का बचेगा। यदि यहां ये माइनस का होता और ये प्लस का होता तो देखो 11 में 7 गया, 4 बच गया। अब चिन्ह किसका आएगा पे? क्योंकि बड़ी संख्या 11 का चिन्ह क्या? माइनस, तो उत्तर माइनस में आता। बड़े संख्या का जो चिन्ह होता है वही उत्तर में लिखा करते हैं, याद रखना। तो देखिए बच्चों, ये हमारा उत्तर आ गया 4। अब जब इसी प्रकार हम कोष्ठक खोलेंगे तो आप ध्यान देना बच्चों, ये माइनस 13 वैसा का वैसा लिख दिया। अब तो ये प्लस और ये भी प्लस है तो गुणा करते समय दोनों का चिन्ह समान हो गया और समान चिन्ह का गुणा बन जाता प्लस, तो यानी कि प्लस 18।
अब आप ध्यान दो, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है, तो जोड़ते समय मैंने क्या कहा था कि एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो, यानी दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम घटाव करते हैं। 18 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 किसका बचेगा, इस उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस रहेगा, प्लस पांच। ये प्लस लिखो तो लिखो, वरना मैंने लिखो इसको प्लस ही मानते हो, नहीं लिखते तो प्लस ही मानते हैं, राइट, मान इसको जरूर लिखना पड़ता है। तो ये 5 उत्तर आ गया। तीसरा देखो बच्चों, हम कोष्ठक खोलेंगे पहले, ये माइनस का 10 है तो 10 लिख दिया। अब देखो ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, तो समान चिन्ह हो गया, और समान चिन्ह को गुणा करते समय क्या प्राप्त होता है, प्लस का चिन्ह हमको प्राप्त होता है, तो ये लिखेंगे प्लस 19, राइट। अब हम माइनस 10 में जोड़ेंगे 19, तो माइनस 10 में 19 जोड़ेंगे, 10 तो माइनस का है और 19 प्लस का है, 19 किसका है बच्चों, प्लस का। हमने आपको कहा था कि जोड़ते समय यदि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की, देखो यदि एक माइनस की एक प्लस की, तो हमेशा क्या करते हैं, घटाव करते हैं, यानी बाकी करते हैं। तो 19 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब ये 9 किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं, इस उत्तर को तो उत्तर दो आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह 19 में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो ये 9 प्लस का बचेगा, उत्तर आ गया 9 प्लस का, ठीक है। इसी प्रकार देखो हमारा सवाल ये अगला, सबसे पहला काम मैंने क्या कहा कि हम कोष्ठक खोलते हैं, कोष्ठक कैसे खोलते हैं, चिन्हों का गुणा करके, बाहर वाला चिन्ह और भीतर वाला चिन्ह हम दोनों को गुणा करके खोलते हैं, ये दोनों चिन्ह समान है तो गुणा करते समय प्लस बन जाता है, और दोनों चिन्ह विपरीत है यानी ये समान है तो गुणा करते समय माइनस बन जाता है। अब देखो ये माइनस का 250 तो वैसा का वैसा, राइट। अब देखो बच्चों इस कोष्ठक को खोलेंगे, ये चिन्ह किसका, प्लस का, और ये चिन्ह भी प्लस का है, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, तो क्या बन जाएगा, गुणा करने से प्लस बन जाएगा, दोनों माइनस के होते तो भी प्लस बन जाता, और दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस ही रहेगा, तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा, और ये 150, राइट। तो माइनस 250 में हम क्या जोड़ेंगे, प्लस का 150 जोड़ेंगे, तो ये 150 प्लस का है, ये 250 माइनस का है, तो एक संख्या हमारे पास माइनस की हो गई, एक संख्या प्लस की हो गई, और आपको बता रखा है कि जब एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा जोड़ते से रही दोनों का घटाव किया जाता है, अर्थात दोनों की बाकी की जाती है, और उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो इनकी बाकी कर दो आप, और 250 में से 150 घटाएंगे बच्चों तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, क्या बचेगा, यानी 100। अब उत्तर है 100, ये उत्तर क्या हमारा 100 है, इसमें चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी संख्या का, या तो 150 का संख्यात्मक मान छोटा है और 250 का संख्यात्मक मान बड़ा है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या माइनस, तो देखो माइनस 250 प्लस का 150, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते समय क्या करेंगे, इन दोनों की बाकी कर दी हमने, 100 बच गया, इस उत्तर में चिन्ह लगाएंगे माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस का 100 उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखो सवाल नंबर बच्चों पांचवा, ये मान लिया माइनस 380 और ये देखो माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह है, चिन्ह समान हो गया तो माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस प्राप्त हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, चिन्ह विपरीत है और असमान चिन्ह का गुणा क्या बन जाता, माइनस, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस बन गया और यह रहेंगे 270। अब देखो बच्चों माइनस का ये कितने है, 380 और इसमें जोड़ेंगे माइनस का 270, दोनों ही संख्या ये माइनस की हो गई, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों ही संख्या माइनस की होती है जोड़ते समय तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों संख्या माइनस की है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और उत्तर क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस का लगाएंगे, तो बच्चे देखो दोनों को जोड़ूंगा मैं,
शून्य में शून्य जोड़ने पर शून्य आता है, सात में आठ जोड़ने पर सात और आठ पंद्रह की पांच बनती है, हासिल की एक, दो में तीन जोड़ेंगे पांच, एक हासिल की छह। 380 पर 270 को जोड़ने पर 650 बनता है। अब दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर है माइनस दो। जब दोनों संख्या माइनस की है तो इन संख्याओं को तो जोड़ देना और उत्तर में माइनस का चिन्ह ही लगा देना, क्योंकि दोनों माइनस की है तो दोनों माइनस में ही आएगी। माइनस का 650 हो गया, माइनस 380 माइनस का 270, ये मिलाने पर कितना बनेगा, माइनस का 650 बनेगा, राइट। अब देखो बच्चों इसके बाद सवाल नंबर 6, आप जरा ध्यान पूर्वक सीखना बच्चों, ये माइनस के 200 कितनी है, 17। ये देखो माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस, कि चिन्ह समान है तो माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस ये 100। अब देखो बच्चों ये माइनस के 217 है, ये माइनस के 100 है, और अभी हमने आपको सिखाया कि जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद उत्तर में चिन्ह किसका लगाएंगे, हम माइनस का ही लगाएंगे। तो देखो बच्चों 217 में 100 जोड़ेंगे, 0 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 7, 0 में 1 जोड़ने पर 1 और 1 में 2 जोड़ने पर कितना आता है बच्चों, 3। तो 217 में 100 जोड़ेंगे 317 हो गया। अब दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर में चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का ही लगाएंगे। तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ, माइनस को 317 प्राप्त हुआ। तो बच्चों आज हमने आपको प्रश्न 6.2 का तीसरा सवाल सिखाया, इसमें कुल मिला के 6 सवाल है और 6 मैंने बड़े अच्छी तरीके सिखा दिए, आपको आशा कर सकता हूं मैं अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी अगले सवाल में आपको कल के नए वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।